wait to see the middle of the picture. Look at that. Look at that. Hey, honey. Can you say I love you? I love you. नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN News। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। इस आधुनिक युग में कुछ भी असंभव नहीं है। प्राकृतिक दुनिया के बीच साइंस ने ऐसी ऐसी चीजों का इजाद कर दिया है जो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल बीते दिनों एक अमेरिकन पुरुष ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। पिता बने अमेरिका के रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति इन दिनों एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको बता दें कि 37 साल के बेनेट कास्पर विलियम ने जब अपने बेटे को जन्म दिया, उसके बाद से ही उन्हें अस्पताल में बच्चे की मां कहकर पुकारना शुरू कर दिया गया। इस बात पर बेनेट को खूब गुस्सा आया। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि लोग उन्हें उनके बेटे की माँ कहे। हम यहाँ अपनी रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले पिता बने बेनेट से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहने वाले ट्रांसजेंडर बेनेट आज से 7 साल पहले एक लड़की थे, जहां उन्होंने अपने शरीर को सर्जरी के जरिए बदल दिया। यहां उन्होंने सर्जरी के जरिए अपना ब्रेस्ट भी हटवा लिया, लेकिन इस बीच बेनेट ने अपना प्राइवेट पार्ट नहीं हटवाया, चूंकि उन्हें माँ का सुख प्राप्त करना था। बता दे कि बेनेट साल 2017 के दौरान मलिक नाम के व्यक्ति से मिले, जहां मलिक और बेनेट को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी दौरान बेनेट को मां बनने का मौका मिला, जिसके बाद ट्रांसजेंडर बेनेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेबी बंप और अपने पार्टनर मलिक के साथ तस्वीरें साझा करनी शुरू कर दी। साल 2020 में इनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम दंपति ने हडसन रखा। इनकी ये कहानी अपने आप में ही रोचक थी, लेकिन सोशल मीडिया में बेनेट को खूब हेट मिला। लोगों ने उन्हें कई ऐसी बातें सुनाई जिसके चलते उन्हें बुरे दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन बेनेट खुश थे कि उन्हें पिता बनने का सुख मिला है। यहां बेनेट ने उसी पल को साझा करते हुए अब कहा है कि हडसन के जन्म के बाद अस्पताल में लोग उन्हें उसकी मां कहकर बुलाने लगे थे, जिसके चलते उन्हें इस बात पर काफी बुरा लगा। बेनेट का कहना था कि वो मां कहे जाने पर बेहद अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। यहां अपने अनुभवों को साझा करते हुए पिता बने ट्रांसजेंडर पिता ने कहा कि महामारी के बीच लॉकडाउन में लाइफ पार्टनर के साथ बच्चे को संभालना काफी बहादुरी भरा रहा। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हम एक ऐसे पिता हैं जिसने बेटे को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे इन बच्चे को उन्हें डैडा कहना सिखाते हैं, वही मलिक यानी अपने दूसरे पिता को उसे पापा पुकारना बता रहे हैं। यहाँ ट्रांसजेंडर पिता के मुताबिक जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वो बताएंगे कि उसे किसने जन्म दिया है, जहां उन्हें भरोसा है कि उनका बेटा इस बात को स्वीकार कर लेगा। यहां आपको बता दें कि सोशल मीडिया में बेनेट कास्पर अक्सर अपने पार्टनर और बच्चे के साथ तस्वीरें और वीडियो क्लिप शेयर करते रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।